My dear students of grade 6. In this video, we are going to discuss the question answer and the back exercise of the first chapter of history that is when, where, and how. Firstly, we will discuss the multiple choice questions. The first question is: the study of coin is known as we have the four options. दैट इज एपिग्राफी आर्क्योलॉजी न्यूमिसमैटिक डेफॉर्मेंट करेक्ट आंसर इज न्यूमिसमैटिक द स्टडी ऑफ कॉइन इज नौन एज न्यूमिसमैटिक नेक्स्ट इज आवर इन द एथ सेंचुरी सीई बान भट्ट रोडता बान भट्ट ने कौन सी बुक लिखी वी हैव फोर ऑप्शंस अर्थशास्त्र रामायणा हर्श्रित इंटिका द करेक्ट आंसर इज हर चरित्र हर क्षित्र रिटर्न बाय बानबर्ड नेक्स्ट इज आवर द लैंग्वेज ऑफ द मनुस्क्रिप्ट मनुस्क्रिप्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है अगेन फोर ऑप्शन संस्कृत प्रकृत ब्रह्मी बोथ ए एंड बी तो आंसर इज बोथ ए एंड बी मनुस्क्रिप्ट इज रिटर्न बोथ संस्कृत एंड प्रकृत लैंग्वेज नेक्स्ट इज इंडिका वाज रिटन बाय इंडिका एक बुक का नेम है वो किसने लिखी है कल्हाना फयान मैगास हयान तसांग करेक्ट आंसर इज मैगास दिस इज द करेक्ट आंसर मैगस्नीस रिटन द इंडिका बुक नेक्स्ट इज आवर इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन इज नोन एज करेक्ट आंसर इज डेसीफोमेंट जब हम इंस्क्रिप्शन को रीड करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं उसे हम कहते हैं डेस्टिफोमेंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस वैली कहाँ डिवेलप हुई थी रिवर के पास इंडस रिवर के पास डेट इज़ इट इज़ नोन एज रिवर वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट इज मनुस्क्रिप्ट

द टर्म हिस्ट्री इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड हिस्टोरिया हिस्ट्री कौन से वर्ड से बनी है हिस्टोरिया जो कि लेटिन लैंग्वेज का है तो आंसर इज फॉल्स बिकॉज हिस्टोरिया इज अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया इज अ ग्रीक वर्ड दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट लैंग्वेज ऑफ द लिटरेरी सोर्स इज ब्रह्मी आंसर इज़ फॉल्स ब्रह्मी इज़ नॉट अ लैंग्वेज इट इज़ अ स्क्रिप्ट इट इज़ अ सक्रीप, जे है क्लियर नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकवेशन जब एक्सकवेशन मींस जब हम कोई खोज करते हैं तो आर्कियोलॉजिक जो होते हैं उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं अलग अलग उनके निशान मिलते हैं तो आंसर इज ट्रू नेक्स्ट ऑफ फॉल इज डेकन प्लेट्यू इज सेपरेटेड From South India by Satpura range, answer is false. Deccan Plateau is separated from North India by the Satpura range. Next is our very short answer type question. First is the define the term history. History is the study of past. What is the archaeology? The study of the past based on the objects or the parts of building is called archaeology. पुराने जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जब बिल्डिंग्स के जो भी निशान मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज आर्कियोलॉजी नेक्स्ट इज वट इज न्यूमिसमैटिक द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिसमैटिक जब हम पुराने कॉइन्स जो मिलते हैं उनको स्टडी करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पुराने समय में कैसा था दैट इज नोन एज न्यूमिसमैटिक हाउ इज़ द हिस्ट्री डिवाइडेड हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो करेक्ट आंसर इज हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स दैट इज एनिशियन पीरियड मल्टीवियल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड नेक्स्ट इज आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर व्हाट आर द मॉन्यूमेंट्स व्हाई डू दे डिपिक्ट मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है टेम्पल्स फोर्ट्स पैलेसिस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड Monuments. they दे टेल अबाउट द पीरियड दे were built एंड द आर्टिस्टिक स्किल एंड द रिलीज एस्टेक्टर तो वो हमें पुराने समय के जब भी बनाया गया था उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं उस समय आर्टिस्टिक स्किल किस तरह की स्किल थी किस तरह कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता था उस समय रिलीजियन कौन से थे नेक्स्ट इज वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिकेड एंड देंचुरी डिकेड और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है ए पीरियड ऑफ टेन ईयर एंड पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर सेंचुरी नेक्स्ट इज व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्स अवेलेबल टू ए हिस्टोरियन दो तरह के सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हिस्टोरियन को पुराने समय में के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू हिस्टोरियन आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इट इंक्लूड्स मोन्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन एंड को And second is the literary sources. Literary sources means religious literature and secular literature means which are written record. That is literary sources. Next question is what is manuscript? Mention two materials on which manuscripts were written in ancient times. Documents written by hand means hand written documents होते hand, That is known as manuscript. मनुस्क्रिस व रिटर्न ऑन द भोजपत्र एंड पाम लिवस नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज वट इज लिटरेरी राइट इट्स क्लासिफिकेशन लिटरेरी सोर्सिस क्या होते हैं और कितने तरह के हैं आर रिटर्न रिकॉर्ड्स और पास आर लिटरेरी सोर्सेज जो भी पुराने समय के रिकॉर्ड्स हैं और वो रिटर्न हैं दैट इज़ नोन एज लिटरेरी सोर्सेज इट इज़ ऑफ टू टाइप रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर लिटरेचर रिलीजियस मीन्स जो रिल जो भी रिलीजियन से रिलेटेड लिखा जाता है जैसे महाभारत रामायण पुराण, वेद वो सभी क्या है रिलीजियस लिटरेचर सेकुलर मीन्स होता है जो इसके अलावा जैसे किसी भी किंग की बायोग्राफी या उसने खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके किंगडम के बारे में लिखा जाता है दैट इज़ नोन एज द सेकुलर लिटरेचर विच इज नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन नेक्स्ट इज आ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री हमें हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं आंसर इज वई नीड टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज द हिस्ट्री टीचिस वी आर एंड हु आर आवर अनेस्टर्स हिस्ट्री से हम पता चलता है कि हम कौन है और हमारे अनैस्टर्स कौन थे वी लर्न हाउ पीपल इन द पास लिव एंड बिहेवड पुराने समय में लोग कैसे रहते थे कैसे बिहेव करते थे इट टीचेस आज टू रिसर्च एंड इंक्वायर द फैक्ट्स हिस्ट्री में टीच करती है कि अलग अलग रिसर्च के बारे में और कैसे जो फैक्ट्स मिलते हैं उनके बारे में इंक्वायरी करनी है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट इज वी वी केम ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल अबाउट द अदर पीपल एंड देयर कल्चर हमें ब्रॉड माइंडेड बनाती है मीन्स हम इस सब तरह के कल्चर और दूसरे लोगों को जानते हैं और हम उनको टॉलरेट करते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर द इंस्क्रिप्शन एंड हाउ डू देस टू नो अबाउट द एनशियट इंडिया इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं और पुराने समय के बारे में जानने में हमारी हेल्प कैसे करते हैं राइटिंग एंड ग्रेव्ड ऑन द रॉक पिलर्स मेटल्स प्लेट्स क्लेबलेट वॉल्स ऑफ टेम्पल किया जाता है दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नॉन एज एपिग्राफी दिक्ट्रीज ऑफ द रूलर इन द बैटल डोनेशन मेड बाय द रूलर फॉर द पीपल और टू द टेम्पल द एक्सटेंट ऑफ देअर किंगडम्स इन इंस्क्रिप्शन में हमें उन रूलर्स की कौन कौन सी बैटल फोर्ट की है उसके बारे में पता चलता है या रूलर्स किस प्रकार लोगों की हेल्प करते थे जब उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं और उनकी किंगडम की एक्सटेंड मींस उनकी किंगडम कहाँ तक फैली हुई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है नेक्स्ट इज़ हाउ डू कोस हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री कोइन्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं इन एनशियन इंडिया कॉल्स आर मेड ऑफ वराइटी ऑफ मटीरियल सच एज कॉपर ब्रॉन्स सिल्वर एंड गोल्ड द कोल्स अस अबाउट द पीरियड ऑफ द रूलर्स रियान कॉर्स में रूलर की रियान का पीरियड मीन्स उस रूलर ने कब शासन किया था रूल किया था उसके बारे में बताते हैं सोशल एंड इकनॉमिक कंडीशन एंड ट्रेड रिलेशन विद द अदर रीजन्स उस समय की सोसाइटी कैसी थी इकनॉमिक कंडीशन मीन्स लोग क्या काम करते थे उनके ट्रेड रिलेशन मीन्स किस किस कंट्री के साथ किस एरिया के साथ वो बिजनेस करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है सो दीज आर द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री वेन व्यर एंड हाउ आई होप आल ऑफ यूफ अंडरस्टैंड अबाउट इट यू हैव टू राइट ऑल दिस Answers in your notebook and learn this question answer. Thank you for watching this video.